हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नोटबुक। तो गाइस, ये जो वीडियो इस ड्राइंग की सेकेंड पार्ट है, और इससे पहले इस ड्राइंग की आउटलाइन ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा हो तो जरूर से देख लेना। वीडियो की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस ड्राइंग को करने के लिए मैं यहाँ पर डॉम्स की ऑयल पेस्टल यूज कर रहा हूँ। तो चलो अभी कलरिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, मैं यहाँ पर बैकग्राउंड में कलरिंग कर रहा हूँ, और बैकग्राउंड में जस्ट रेफरेंस फोटो को देखकर जहाँ पर जो भी कलर में ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, बस वो कलर में वहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। एग्जैक्ट जो भी कलर रेफरेंस फोटो में है या फिर मैं यूज कर रहा हूँ, सेम आप लोगों को वही कलर यूज करना है। ऐसा नहीं, उससे मिलते जुलते कोई भी कलर आप लोग यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और बाकी आप लोग वीडियो में अच्छी तरीके से देखो मैं कहाँ पर किस तरीके से सेटिंग कर रहा हूँ, देन आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगी यहाँ पर एक्चुअली करना क्या है। और ऑयल पेस्टल आप लोग कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि ऑयल पेस्टल थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, उससे इस तरीके का स्मोकी बैकग्राउंड इजिली हो जाता है। और पेपर थोड़ा मोटा लेना गाइस, जिस पेपर से आप लोग वाटर कलर करते हो, सेम वैसा ही पेपर आप लोग ऑयल पेस्टल में भी यूज कर सकते हो। और स्मूथ पेपर बिल्कुल भी यूज मत करना गाइस, ऑयल पेस्टल में रफ पेपर यूज करना है, नहीं तो मीडियम सरफेस वाला जो पेपर आता है वो यूज करना है आप लोगों को, या फिर टोनेट पेपर भी यूज कर सकते हो, तभी आप लोगों को ऑयल पेस्टल में अच्छी रिजल्ट मिलेगी। ओके, कलरिंग हो गई है। और अभी बैकग्राउंड को ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर कॉटन बट का यूज़ कर रहा हूँ, और कॉटन बट के ऊपर पहले इस तरीके से व्हाइट कलर से घिस लेना है, उसके बाद ब्लेंड करने से कलर फेड नहीं होगी। और क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड बहुत ही लार्ज एरिया में, इसलिए मैं दो कॉटन बट को एक साथ यूज़ कर रहा हूँ, और इस तरीके से पकड़ के आप लोगों को राउंड राउंड करके घुमाना है, और जहाँ पर भी छोटे एरियाज है वहाँ पर एक ही कॉटन बट का यूज़ करना है। तो बस इसी तरीके से फुल बैकग्राउंड में ब्लेंड कर लेना है। तो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखो अभी। ओके, ब्लेंड करने के बाद अभी आप लोगों को कलर करेक्शन करना है। जैसे कि मुझे लग रहा है थोड़ा ऑड व्हाइट स्मोक इफेक्ट देना है, तो मैं वहाँ पर व्हाइट कलर से सिंपली शेडिंग कर रहा हूँ, एंड देन इसको फिंगर की मदद से लो प्रेशर में ब्लेंड कर लेना है। और अभी इसी तरीके से ही आप लोगों को जहाँ पर भी जो भी कलर चाहिए उस कलर से पहले शेडिंग कर लेना है, एंड देन उसको हल्के हाथ से ब्लेंड कर लेना है। और बाकी आप लोग देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ अभी। तो बस बैकग्राउंड कंप्लीट हो गई है, और अभी श्री कृष्णा जी की फेस के ऊपर कलरिंग कर रहा हूँ। और रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके जहाँ पर भी डार्क एरियाज है वहाँ पर मैं ज़्यादा पेसर अप्लाई करके सेटिंग कर रहा हूँ, और नॉर्मल एरियाज में हल्के हाथ से सेटिंग कर रहा हूँ, और लाइट एरियाज में छोड़ के ही सेटिंग कर रहा हूँ। और बाकी आप लोग वीडियो में भी देख सकते हो मैं कहाँ पर किस तरीके से सेटिंग कर रहा हूँ। और सेम चीज़ अभी राधा जी की फेस के ऊपर भी करना है, बस आप लोगों को प्रसियन ब्लू की जगह ब्राउन कलर का यूज़ करना है।
ओके बैक टू कृष्णा फेस, अभी आप लोगों को व्हाइट कलर लेना है और आईब्रोज को छोड़ के फुल एरियाज में व्हाइट कलर से शेडिंग कर लेना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, अभी आप लोगों को जहाँ पर भी लाइट एरियाज है वहाँ पर ज़्यादा पेंसिल अप्लाई करना है और डार्क एरियाज में यानी जहाँ पर भी मैं ब्लू ज़्यादा यूज़ किया था उस टाइप के एरियाज में हल्के हाथ से शेडिंग करना है। ओके अभी राधा जी की फेस के ऊपर फ्लेश टेन कलर का यूज़ कर रहा हूँ और लाइट एरियाज में हल्के हाथ से शेडिंग कर रहा हूँ और बाकी फुल एरियाज में मीडियम पेंसिल अप्लाई करके शेडिंग कर रहा हूँ। और अभी जो भी लाइट एरियाज है वहाँ पर मैं व्हाइट कलर को ज़्यादा पेंसिल अप्लाई करके यूज़ कर रहा हूँ और बाकी एरियाज में हल्के हाथ से जस्ट शेडिंग कर रहा हूँ। ओके कलरिंग कंप्लीट हो गई है और अभी इसको भी कॉटन बर्ड से ब्लेंड कर लेना है और ध्यान रखना कि कृष्णा जी की फेस के ऊपर अलग कॉटन बर्ड का यूज़ करना है और राधा जी की फेस के ऊपर अलग कॉटन बर्ड का यूज़ करना है। और हाँ, पहले कॉटन बर्ड के ऊपर व्हाइट कलर अप्लाई करना मत भूलना। ओके नेक्स्ट स्टेप कलर करेक्शन। तो अभी जस्ट मुझे लग रहा है थोड़ा और लाइट वैल्यूज चाहिए, तो जहाँ पर भी लाइट वैल्यूज चाहिए मुझे वहाँ पर मैं जस्ट व्हाइट कलर से सिंपली शेडिंग कर रहा हूँ एंड देन उसको हल्के हाथ से ब्लेंड कर लेना है। और यही सेम चीज़ राधा जी की फेस के ऊपर भी करना है, बाकी आप लोग देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। ओके नेक्स्ट स्टेप अभी डार्क वैल्यूज को ऐड करना है, यानी डिटेलिंग पार्ट शुरू हो गई है। तो मैं उसके लिए कैमल की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और अगर आप लोग के पास वो चारकोल पेंसिल नहीं है तो आप लोग कोई भी ब्लैक कलर पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो। और अभी इसको कॉटन बर्ड की मदद से लो प्रेशर में ब्लेंड कर लेना है एंड लास्ट में कैची की मदद से हाईलाइट करना है। किस तरीके से कर रहा हूँ वो आप लोग वीडियो में अच्छी तरीके से देखो। ओके कृष्ण जी की फेस के ऊपर डिटेलिंग हो गई है और अभी सेम चीज़ वही रिपीट करना है राधा जी की फेस के ऊपर भी। तो पहले सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को यूज़ करके डार्क वैल्यूज को देना है एंड देन उसको ब्लेंड करना है एंड देन लास्ट में हाइलाइट्स को क्रिएट करना है कैची की मदद से या फिर कोई भी कटर की मदद से। कटर तभी यूज़ करना जब आप लोगों की पेपर मोटा हो, नहीं तो यूज़ मत करना, पेपर फट जाएगी। नॉर्मल कैची से भी आप लोग स्क्रैच करके हाइलाइट्स को क्रिएट कर सकते हो। तो बस गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये ड्राइंग पसंद आई है और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।